भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े में खेले गए पहले मैच में 5 विकेट से जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। बल्ले और गेंद से मैच में कमाल करने वाले रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं पूरे मैच का हाल बताया जाए तो गौरतलब है कि मैच में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कमान संभालने वाले हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 188 रनों पर भारत की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे ऑल आउट हो गई। साथ ही बता दें कि मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही शानदार गेंदबाजी की और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए तो रविंद्र जडेजा को 2 और हार्दिक पांड्या व कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से मिले 189 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से फेल हो गया। ईशान किशन 3 रन, शुभमन गिल 20, विराट कोहली 4 और सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट गए। वो तो भला हो केएल राहुल का जिन्होंने 6 विकेट के लिए रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 108 रनों की नाबाद साझेदारी कर भारत को मैच 5 विकेट से जिता दिया। बता दें कि मैच में राहुल ने 75 तो जडेजा ने 42 रनों की शानदार पारी खेली।